नमस्कार दोस्तों, इस चैनल फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए कुछ रोचक जानकारी मिलने आया दोस्तों। दोस्तों हम बात करने वाले हैं भीगे हुए चने खाने के फ़ायदे के बारे में। दोस्तों ये बहुत ही ताकतवर चीज़ होती है और सबसे अच्छी बात सबके पहुंच में, सबको आसानी से मिल सकती है। इसमें प्रोटीन बड़ी मात्रा में होता है। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से आपसे निमती है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे रोज़ और नई वीडियो आपको यहाँ मिलते रहेंगे। दोस्तों आयुर्वेदिक में चने की दाल और चने को शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक बताया। चने के सेवन से कई रोग ठीक हो जाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स पाए जाते हैं। चना दूसरे दालों के मुकाबले बहुत सस्ता होता है और सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद और पौष्टिक होता है। चना शरीर की बीमारियों से लड़ने में सक्षम होता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, दिमाग को तेज करता है, सेक्स पावर को बढ़ाता है और चेहरे को सुंदर बनाता है। चने को सबसे अधिक फायदा उसे अंकुरित खाने में जाता है। सूखे भुने हुए चने भी रुद्रक जो है बहुत कहीं ना कहीं वात और कुष्ठ को नष्ट करने वाले होते हैं। उबले हुए चने कोमल, रुचिकारक, पित्त शुक्रनाशक, शीतल, कशेल और कहीं ना कहीं पित्तनाशक होते हैं। चना शरीर को जो है तंदुरुस्त बनाने में बहुत काम करता है। खून में जोश पैदा करना और जिगर यानी आपके लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। खून को साफ़ करता है, धातु को बढ़ाता है, आवाज़ को साफ़ करता है, रक्त संबंधी बीमारी को दूर करता है। इसके सेवन से पेशाब खुलकर आता है। इसमें आपको पानी में भिगोकर चबाने से शरीर में ताकत आती है। वैसे तो चने आप खाने में ज़रूर इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन ये किसी दवा से कम नहीं। चने खाने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं और अंकुरित चने खाने से रोज़ सेवन करने से स्वास्थ्यवर्धक होता है। चना विशेषकर किशोर, जवानों और शादीशुदा लोगों को भेल खाना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत पौष्टिक होता है। इसे 25 ग्राम देसी काले चने लेकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। उसे मोटे पुष्ट चने को साफ़ सुथरा करके और सब निकाल के उसको पानी में गला दीजिए और सुबह उसे आप फ्रेश होके या जो भी चीज़ें व्यायाम करने के उसे खाएं, चबा चबा कर खाएंगे, ये बात का ध्यान रखिएगा। ऊपर चने के साथ चाहे तो आप शहद ले सकते हैं। इसका मात्रा कुछ दिनों उपयोग करने पर आपकी बॉडी में अलग ही स्फूर्ति दिखेगी, शक्तिशाली दिखेगी। चने की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाना चालू करें। भीगे हुए चने के बाद आप चाहे तो दूध पी सकते हैं। व्यायाम करने के बाद रात में भीगे हुए चने और चने के पानी के साथ इसे खाएंगे तो बहुत शक्ति, पेट पचने लगेगा, कार्बोहाइड्रेट आपको प्रोटीन्स मिलने लगा। चना न्यूट्रिएंट्स के मामले में बादाम से ज़्यादा फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में चने की दाल और चने के लिए बहुत ही जो है स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। ये कई बीमारियों से बचाने के साथ हेल्दी रहने में मदद करता है। इसलिए खासकर मर्दों को तो चने खाना ही चाहिए क्योंकि चना शरीर के बीमारियों से लड़ने में बहुत सक्षम होता है। अंकुरित चना खाने बहुत ही लाभप्रद होता है। अंकुरित चना खाने से धातु को पुष्ट, मांसपेशी स्तर जो है सदन बनती है, शरीर को वज्र के समान बना जाता है। ये सभी चर्म रोगों के लिए नष्ट करता है, विटामिन सी की अधिकता बढ़ाता है, खून में वृद्धि करता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त अंकुरित चने का सेवन करने से फेफड़े मजबूत होते हैं, रक्त में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, दिल की बीमारी को दूर करने में सहायक करता है। और बिस्तर पर अगर आप शादीशुदा है इसका उपयोग करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं घोड़े जैसी ताकत देता है। अंकुरित जो है चने बनाने की विधि नॉर्मल है। आप रात को जो है गरम गरम उबले हुए पानी, हल्का सा उबाल लीजिए पानी, उसके बाद इसमें चने डाल दीजिए और इसे सुबह छोड़ दीजिए। आप चाहते ऐसा भी कर सकते हैं या इसके बाद अगले दिन उसे पानी को निकाल दीजिए और एक सूखे कपड़े में उसे बांध के रख दीजिए तो अगले 12 घंटे में उसमें जो है अंकुरित हो जाएंगे। फिर आप लीजिए तो और आप बहुत ज़्यादा वो पौष्टिक रहता है। शरीर की कोई भी बीमारी से लड़ने के लिए हमें इम्यून सिस्टम को अच्छा रखना पड़ता है और इम्यून सिस्टम को अच्छा करने के लिए आपको चने का सेवन करते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद महसूस होने लगेगा। 21 दिन तक इस चीज़ का सेवन करेंगे तो आप खुद ब खुद आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, स्टेमिना बढ़ेगा, सेक्स करने की पावर बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें होगी। वजन कम करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं लोग। अगर आपको वजन कम करना, आपका वजन बहुत ज़्यादा है तो जिस चने का उपयोग करें जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। पथरी की समस्या हो तो भी चने का बहुत फायदेमंद रहता है क्योंकि पथरी की समस्या कहीं ना कहीं दूषित पानी और दूषित खाने से होती है। इसका सेवन करने से थोड़ा सा आपको बहुत फर्क मिलने लगेगा। शरीर की गंदगी साफ़ करना तो भी काला चना बहुत फायदेमंद बनता है। काला चना शरीर के अंदर की गंदगी को साफ़ करता है जिससे डायबिटीज़, एनीमिया आदि बीमारी नहीं होती। तो आपसे एक ही अनुरोध होगा कि आज से इसका शुरू कर दीजिए खाना, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। बस काले चने आज शाम को रात को डालिए और कल सुबह चाहे तो इसे ले लीजिए या फिर कल सुबह उस पानी से निकाल के एक सूखे कपड़े में 24 घंटे की रख दीजिए और अंकुरित खाइए, तब भी आप देखेंगे कि बहुत फायदा मिलने वाला है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।